नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेखौफ अपराधियों ने अपार्टमेंट में घुसकर दो लोगों पर किया चाकू से हमला, गार्ड की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव पहुंचे भागलपुर, शराबबंदी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। भागलपुर में चाची को भतीजे से हुआ प्यार, मंदिर में रचाई शादी, घर वालों ने जताया विरोध। सिवान में पुलिस गश्ती टीम पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। और भागलपुर में अवैध कब्जाधारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अपराधियों का हौसला काफी बुलंद है। दरअसल बुधवार की अहले सुबह जोगसू थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनिकेतन अपार्टमेंट में अपराधियों ने घुसकर गार्ड और एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान बीच बचाव के क्रम में गार्ड की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक गार्ड की पहचान बांका के रजौन निवासी पुरुषोत्तम कुमार के रूप में हुई है, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सिटी एसपी सोन प्रभात ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल का मुआयना किया और जांच में जुट गई। वहीं पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटना की तफ्तीश को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि दो लोगों को अपार्टमेंट में घुसकर गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस वारदात में एक गार्ड की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका है। साथ ही उन्होंने कहा कि घायल का पता लगाया जा रहा है, कि जबकि एफएसएल की टीम को जांच के दौरान मौके से शराब की खाली बोतल भी बरामद हुई है। हालांकि शहर के बीचों बीच हुई इस तरह की घटना से लोगों के बीच काफी दहशत का माहौल है और इसको लेकर चर्चाओं और कयासों का दौर जारी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। फोन करला फोन जो ना करल का पुरुषोत्तम कुमार। बिहार सरकार मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बुधवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में भागलपुर और बांका जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भागलपुर प्रमंडल स्तर पर शराबबंदी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव ने पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा शराब के मामले में दर्ज किए गए मुकदमों की जानकारी लेकर कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया, जबकि दर्ज कांडों में की गई गिरफ्तारी और जब्त किए गए शराब की जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की बात बैठक में अधिकारियों को दी गई। इसके अलावा अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर मामले का ट्रायल करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के पदाधिकारियों को दिया। इधर उन्होंने सरकार द्वारा शराबबंदी को लेकर की जा रही कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया, साथ ही शराब कारोबारियों और तस्करों पर नकेल कसते हुए इस पर रोक लगाने एवं जागरूकता के साथ सख्ती करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। वहीं आयुक्त और डीआईजी समेत भागलपुर और बांका के पदाधिकारियों ने अपने अपने जिले में की गई कार्यवाही की जानकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक को दी। समीक्षा बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, डीआईजी विवेकानंद भागलपुर, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम बांका, डीएम अंशुल कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीडीसी प्रतिभा रानी, सिटी एसपी सोन प्रभात समेत उत्पाद विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानी डीहा गाँव में प्रेम विवाह का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव के एक 28 वर्षीय युवक दीपक कुमार और उसके पड़ोस के चाची, दो बच्चे की मां 35 वर्षीय कंचन देवी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों ने अपने घर के समीप स्थित बजरंग बली मंदिर में शादी रचा ली। वहीं शादी के बाद युवक दो बच्चों की माँ और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा, जहाँ पहले से मौजूद युवक के घर वालों ने उन दोनों को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया
और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद प्रेमी से पति पत्नी बने जोड़े ने घर के दरवाजे पर धरना दे दिया, जिससे वहां आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि दीपक और कंचन देवी के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर कई बार दोनों पक्ष के लोगों के बीच पंचायत भी हुई थी। साथ ही कहा कि रात में भी इस बात पर पंचायत होनी थी, लेकिन इसके पहले ही दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली, जबकि महिला को 4 साल की एक पुत्री और 1.5 साल का पुत्र भी है। वहीं गांव की महिलाओं का कहना है कि दीपक और कंचन रिश्ते में चाची भतीजा है, जबकि दोनों के परिजन मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हालांकि इस मामले पर प्रेमी युगल का कहना है कि जब तक उन दोनों को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे घर के दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। घटना सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्यासपुर गांव के समीप की है, जहां बुधवार की अहले सुबह अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पुलिस की गश्ती पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें अपराधियों की गोली लगने से एक सिपाही की जान चली गई, जबकि गोलियों की आवाज सुनकर खिड़की से झांक रहा एक अधेड़ भी गोली लगने से गंभीर रूप से हो गया, जिसके बाद बाइक सवार सभी अपराधी भी मौके से फरार हो गए। मृतक सिपाही सिसवन पुलिस स्टेशन में पदस्थापित था और पटना के मसौड़ी का रहने वाला था। मृतक की पहचान मसौड़ी निवासी रामाशीष प्रसाद के 39 वर्षीय पुत्र वाल्मीकि यादव के रूप में हुई है, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति की पहचान ग्यासपुर निवासी अब्दुल हमीद खान के 55 वर्षीय पुत्र सिराजुद्दीन खान के रूप में हुई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना के बाद इलाज के लिए घायल को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिसवन थाना की पुलिस की गश्ती पार्टी निकली हुई थी, तभी पुलिस पार्टी की गाड़ी ग्यासपुर के समीप पहुंचते ही पुलिस टीम की नजर 3 की संख्या में सड़क के किनारे खाट पर बैठे संदिग्ध लोगों पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस गश्ती पार्टी ने गाड़ी रोक कर उन सभी से पूछताछ करना चाहा, लेकिन वे सभी वहां से भागने लगे। वहीं संदिग्ध स्थिति को देखकर पुलिस ने उन लोगों का पीछा किया। अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। फिलहाल घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर पूरे गांव में पुलिस गश्त की जा रही है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर चप्पे चप्पे पर छापेमारी शुरू कर दी है। भागलपुर में अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को बराड़ी थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रशासन की टीम द्वारा विस्थापित परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 15 वर्षों से रह रहे अतिक्रमणकारी सड़क पर आ गए। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही विस्थापितों ने जिला प्रशासन से रहने के लिए जगह दिलाने की मांग की। मौके पर कई अधिकारी और कर्मी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम इंडी अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लिनिक के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज जल से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। धन्यवाद।
मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरे शुगर बहुत दिन से था, मुंबई में मैं जॉब करते हैं शिपिंग लाइन में, वहाँ मालूम पड़ा कि शुगर आपको ज़्यादा है। मैं चेक कराया, 200 के लगभग आया, दवाई खाते खाते कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके वजह से परेशानी ज़्यादा हो रहा था। घर आए मालूम पड़ा कि भागलपुर में एक राय करके कोई आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करके जड़ से छुटा देता है, तो मालूम पड़ा। फिर मैं भागलपुर आके एक राय डॉक्टर साहब से मिले, उसने हमको दवाई का कोर्स चालू कर दिया लगभग नवंबर से। नवंबर से चालू करते बीच बीच में स्वीट जो भी है खाने पीने के खाते रहे, मतलब बढ़ना कम हो गया, धीरे धीरे कम होते गया। अभी तो ऐसे आप स्वीट भी खा लेते हैं, चावल राइस आलू जो भी है खाने के बावजूद भी शुगर बढ़ नहीं रहा है। अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, स्वीट भी कल खाए, सब कुछ खाने के बावजूद भी रोटी राइस 123 आया, तो स्वस्थ लग रहा हूँ। मुझे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, पहले जितना दिक्कत था अभी कोई अनुभव नहीं लग रहा कि वैसा होना चाहिए। अभी स्वस्थ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जिसको भी शुगर है एक बार अवश्य पधारे भागलपुर में एक ही राय के पास, वो अच्छे से अच्छे पुराने से पुराना जो भी बीमारी है शुगर के माध्यम से 100% सही करेगा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है। एक बार जरूर आके देखिए, कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, मतलब वन वीक से ज़्यादा ही हो गया। अभी नॉर्मल मेरा 123 है, जो कि कल मैं स्वीट भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, राइस भी खाया, कोई तरह का मुझे शुगर का प्रभाव नहीं दिखा रहा है और मैं फिटनेस में सही हूँ। मेरा नाम कुमार गौरव है, मैं शुगर पेशेंट हूँ। मेरा शुगर लेवल 420 था, मैं अंग्रेजी दवाई खा करके परेशान था, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। डायबिटीज से मैं बहुत परेशान था, तभी किन्हीं के माध्यम से पता चला कि डॉक्टर ए के राय के बारे में पता चला कि जो आयुर्वेद पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं, जो इनका क्लिनिक भागलपुर में है। पहले सप्ताह में शुगर लेवल घटता चला गया और जांच हर सप्ताह मीठा सामान खिलाकर जांच किया जाता था। फिर शुगर घटता चला गया, 12/9 से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था। 4 महीनों तक ट्रीटमेंट चला, जो कि सारा अंग्रेजी दवाई बंद है, अब कोई दवाई नहीं खाते हैं। बिना दवा के सब कुछ खाने के बाद, रोटी चावल खाने के बाद मेरा शुगर लेवल 112 है और मैं इलाज से संतुष्ट हूँ। हम इलाज से संतुष्ट हैं और डॉक्टर साहब से इस इलाज से जो भी पेशेंट हैं, आप इलाज आकर के कराइए और निश्चित रूप से छुटकारा पाइएगा। और हम संतुष्ट हैं डायबिटीज से, मेरा डायबिटीज खत्म हो चुका है और कोई दवाई हम नहीं खाते हैं, नॉर्मल तरीका से खाना पीना सब खा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि एक 60 वर्षीय वृद्ध की मौत होने के बाद उसके शव को घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाता, जिससे मृतक के पुत्र को हाथ ठेला के सहारे शव और अपनी बूढ़ी माँ को बैठा कर 3 किलोमीटर तक जाना मजबूरी बन गई। दरअसल मुंगेर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी 60 वर्षीय देवी दास को उसके पुत्र छोटू ने तबियत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह छोटू के पिता की मौत हो गई। मौत के बाद छोटू ने अस्पताल प्रबंधन से शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छोटू को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया। वहीं इस दौरान छोटू ने 1 घंटे तक कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर भी लगाया, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। वहीं मामले को लेकर छोटू ने बताया कि एम्बुलेंस चालक से जब उसने एम्बुलेंस देने की बात कही तो एम्बुलेंस चालकों ने उसे सड़क खराब होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले छोटू ने ठेला पर पिता के शव को रखकर घर लाया। साथ ही कहा कि मुंगेर सिविल सर्जन डॉक्टर PM सहाय से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। यह हाफसी का बीमारी। अच्छा, तो क्या हुआ, हाफसी का बीमारी था? कब लाए थे इसको हॉस्पिटल? रात ही है। रात के लाए थे? कहाँ घर है? सुंदरपुर। अच्छा, तो यहाँ लाए तो फिर क्या हुआ? उसके बाद अपने आप सांस अच्छी होने लगा, उसके बाद अभी सुबह में ऐसे हो गया। अच्छा, तो फिर ठेला पर जा रहे हो कहे? तो एम्बुलेंस वाला कोई रहेगा तब ना आएगा। एम्बुलेंस वाला नहीं था अंदर में? कोई नहीं आ रहा था। क्या बोल रहा था? बोला हम नहीं जाएंगे उधर, रोड खराब है। रोड खराब है? तुम बोले थे अंदर हॉस्पिटल में, बोले थे कि एम्बुलेंस चाहिए हमको? नहीं, ये बात कहाँ बोले हैं? एम्बुलेंस नहीं चाहिए, इन्हें बोले थे? नहीं, हमारा तबीयत खराब थी। अच्छा, क्या नाम है पेशेंट का? देवीदास। भागलपुर खलीफाबाग चौक से बुधवार को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो सैंडिस कंपाउंड में जाकर संपन्न हुई। प्रभात फेरी का नेतृत्व बैंक के आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने किया। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया के 117वें स्थापना दिवस को लेकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आम लोगों को बेहतर सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान बैंक के कई पदाधिकारी और कर्मियों ने हिस्सा लिया और आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इसको लेकर जोनल मैनेजर राजेश कुमार ने सभी ग्राहकों और हितधारकों को शुभकामना देते हुए कहा कि बैंक अलग अलग क्षेत्र के हर तरह के लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है, जिससे बैंक और ग्राहकों के साथ इसका आर्थिक लाभ राज्य के साथ देश को भी मिल सके। उन्होंने कहा कि बैंक के पास एक वेलकम ऑफर है, जिसमें बिजनेसमैन को टेक ओवर एवं बिजनेसमैन के केस में नए लोन के लिए काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया जाएगा, जबकि इसके अलावा होम लोन में भी आकर्षक ऑफर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से स्थापना दिवस पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 10 बच्चियों को एक तय राशि दी गई, जिससे बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ मनोबल ऊंचा हो और बढ़ावा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने और देश की आर्थिक उन्नति में योगदान देना ही उन सभी का उद्देश्य है। मौके पर उप आंचलिक प्रबंधक विनीता, मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार पांडे, विपणन प्रबंधक अहमद हसन समेत सभी बैंक अधिकारी और स्टाफ ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। 117वां स्थापना दिवस मना रहा है, इस उपलक्ष्य में हम अपने सभी ग्राहकों को और स्टेक होल्डर को शुभकामना देते हैं। बैंक ने अपने स्थापना दिन से आज तक उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है। 1969 में बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया और अभी भारत सरकार का 81.4% शेयर होल्डिंग इस बैंक में है और बैंक का जो टोटल बिजनेस मिक्स है वो 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। बैंक के पूरे देश में 5,500 के लगभग शाखाएं हैं और विदेशों में भी 24 शाखाएं हैं। बैंक पूरे जनमानस को एक अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है और फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में बैंक एक नया फिक्स डिपॉजिट स्कीम लेके आया है, जिसको 444 दिन का फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेखौफ अपराधियों ने अपार्टमेंट में घुसकर 2 लोगों पर किया चाकू से हमला, गार्ड की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव पहुंचे भागलपुर, शराबबंदी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। भागलपुर में चाची को भतीजे से हुआ प्यार, मंदिर में रचाई शादी, घर वालों ने जताया विरोध।
सिवान में पुलिस गश्ती टीम पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। और भागलपुर में अवैध कब्जाधारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।